क्वेश्चन नंबर 25, एकोनिटेज इज एन इनहिबिटर ऑफ, एकोनिटेज इज एन इनहिबिटर ऑफ, ए पे क्रेब्स साइकिल, बी पे ग्लाइकोलिसिस, सी पे ग्लूकोनियोजेनेसिस और डी पे फर्मेंटेशन। तो आपने बताना है कि एकोनिटेज किसका इनहिबिटर है, क्या वो क्रेब्स साइकिल का है, ग्लाइकोलिसिस का है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का है या फर्मेंटेशन का है। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, द स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, ए पे फाइटोबायोलॉजी, बी पे फोटोपीरियोडिज्म, सी पे फोनेटिक्स और डी पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 27, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, ए पे है 10-13-25 mmHg या 101-325 mmHg, बी पे है 760 PA, सी पे है 101-325 torr, डी पे है 760 mmHg। क्वेश्चन नंबर 28, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिव इन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिव इन, ए पे है माइटोकॉन्ड्रिया, बी पे साइटोप्लास्ट, सी पे न्यूक्लियस, डी पे ग्लाइऑक्सीजोन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिव इन किसमें होती है, ए पे माइटोकॉन्ड्रिया, बी पे साइटोप्लास्ट, सी पे न्यूक्लियस, डी पे ग्लाइऑक्सीजोन। और क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट आर, द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स आर, ए पे एंजियोस्पर्म, बी पे जेमनोस्पर्म, सी पे ट्रैकियोफाइट्स और डी पे ब्रायोफाइट्स। द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट आर एंजियोस्पर्म, जेमनोस्पर्म, ट्रैकियोफाइट, ब्रायोफाइट। और क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 cells, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 cells, ए पे 14, बी पे 32, सी पे 28 और डी पे 7। कि एक जायगोट जो है वो 120 सेल में अगर कन्वर्ट होता है तो कितनी माइटोटिक डिवीजन लगेंगी, क्या 14 होंगी, 32 होंगी, 28 होंगी या 7 होंगी। आंसर देखते हैं इनके, एकोनिटोज इज एन इनहिबिटर ऑफ, क्रेब्स साइकिल का ये इनहिबिटर है, 25 का ए ऑप्शन ठीक है, और 26 जो है स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, इसको फाइटोबायोलॉजी कहते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 27 का 760, यानी लास्ट का ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन 760 mmHg, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज एक्टिव एंड ऑपरेटिव इन, तो वो किसमें है, वो ग्लाइऑक्सीजोन, लास्ट का ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है, और मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट आर, तो वो जेमनोस्पर्म है। वैसे हमें पता है कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म है,
लेकिन यहाँ पे सीड प्लांट है तो वो जिम्नोस्पर्म बी ऑप्शन ठीक है। और हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल, तो 7 जो है वो डिवीजन चाहिए होंगी एक जायगोट को अपने 128 सेल्स कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ए पे रुजेसी है, बी पे सोलानेसी, सी पे फेबेसी और डी पे ग्रेमिनी। ए पे रुजेसी, बी पे सोलानेसी, सी पे फेबेसी और डी पे ग्रेमिनी। क्वेश्चन नंबर 32 द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमैटिक की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की? ए पे बेंथम, बी पे लीनियस, सी पे हग्सले और डी पे कैंडोल। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, कौन सा है जो ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन नहीं है? ए पे है इंड्यूसिंग कैलस फॉर्मेशन, बी पे है इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, सी पे है एनहांसिंग सेल डिवीजन और डी पे है मेंटेन एपिकल डोमिनेंस। ए पे इंड्यूसिंग कैलस फॉर्मेशन, बी पे इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, सी पे एनहांसिंग सेल डिवीजन और डी पे है मेंटेन एपिकल डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 34 वॉन्ड हीलिंग इन प्लांट इज इनिशिएटेड बाय, वॉन्ड हीलिंग इन प्लांट इज इनिशिएटेड बाय ए पे एपिकल मेरिस्टम, बी पे लेटरल मेरिस्टम, सी पे सेकेंडरी मेरिस्टम और डी पे इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्लांट्स की जो वॉन्ड हीलिंग है वो किससे इनिशिएट होती है? क्या ए ऑप्शन वाला एपिकल मेरिस्टम ठीक है, बी पे लेटरल मेरिस्टम है ये ठीक है, सी पे सेकेंडरी मेरिस्टम या डी पे इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो इनमें से कौन सा ठीक है आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 इज एनालॉगस टू मीसोजोम ऑफ बैक्टीरिया, इज एनालॉगस टू मीसोजोम ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा एनालॉगस है मीसोजोम के बैक्टीरिया के? ए पे गॉल्जी अपरेटस ऑफ यूकैरियोट, बी पे है लाइसोसोम ऑफ यूकैरियोट, सी पे है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट या डी पे नन ऑफ दीज। जी इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो ग्रेमिनी यानी पोआसी फैमिली है, ये पोआसी आएगा तो तब भी ऑप्शन ठीक है, ग्रेमिनी है तो तब भी ऑप्शन ठीक है। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या इन फैमिलीज की आपसे स्पीशी पूछ सकते हैं तो, या फिर इनकी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो ये फैमिलीज आपने अच्छी तरह से देखनी है एंजियोस्पर्म की। लेकिन यहाँ पर 31 में आप डी ऑप्शन जो है ग्रामिनी या पोआसी फैमिली जो है वो इसका राइट आंसर है। और 32 द टर्म न्यू सिस्टमैटिक इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हग्सले ने साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का कौन सा फंक्शन नहीं है? इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है, तो ये प्लांट के जो हार्मोन है ये आपने अच्छी तरह से देखने हैं, कौन जो है फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, कौन जो है डॉर्मेंसी करवाता है,
कौन है फ्रूट को टाइम से पहले गिरा देता है अगर उसकी कमी हो जाए, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आपने इन हार्मोन्स के जो है वो देखने हैं अच्छी तरह से, तो इसीलिए हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया था कि ऑक्सिन का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वो है बी ऑप्शन, इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी। और वॉन्ड हेलिंग इन प्लांट इज इनिशिएटेड बाय, तो एपिकल मेरिस्टम है, मेरिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं, लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, तो यहाँ से भी आपने देखना है। 34 का यहाँ पर राइट ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टम, जो वॉन्ड हीलिंग करवाता है। और 35 इज एनालोगस टू मिसोजोम ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, लाइसोसोम ऑफ यूकेरियोट। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू, वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ये टी ओ वाला टू है, टी डबल ओ वाला नहीं है। वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ए पे है क्रेब साइकिल, बी पे है ग्लाइकोलाइसिस, सी पे है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और डी पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपने बताना है कि वारबर्ग इफेक्ट जो है वो किससे रिलेट करता है, क्या वो क्रेब साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस से, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। क्वेश्चन नंबर 37, हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ, हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ, ए पे है इंट्राक्राइन, बी पे है ऑटोक्राइन, सी पे है पैराक्राइन और डी पे है एंडोक्राइन। क्वेश्चन नंबर 38, विच क्लास ऑफ एंजाइम मेनली यूज्ड इन लॉन्ड्री, विच क्लास ऑफ एंजाइम मेनली यूज्ड इन लॉन्ड्री, ए पे आर्जिनेस, बी पे पेप्सन, सी पे प्रोटीएज और डी पे अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 39, हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल इज आ, ये आपने उसकी स्ट्रक्चर बतानी है कौन सी है, ए पे प्राइमरी प्रोटीन, बी पे सेकेंडरी प्रोटीन, सी पे टर्शरी प्रोटीन, डी पे क्वाटनरी प्रोटीन। हाँ जी, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की को देखते हैं। वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ये ग्लाइकोलाइसिस से रिलेट करता है, बी ऑप्शन ठीक है। और 37 का हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये कौन सी है, पैराक्राइन कैटेगरी है। और विच क्लास ऑफ एंजाइम मेनली यूज्ड इन लॉन्ड्री, 38 का जो है प्रोटीएज, सी ऑप्शन ठीक होगा, प्रोटीएज आएगा। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द मेड्यूसा स्टेज इज एब्सेंट इन, द मेड्यूसा स्टेज इज एब्सेंट इन, ए पे है जेलीफिश, बी पे है हाइड्रा, सी पे है ओबिलिया और डी पे है फाइसिलिया। मेड्यूसा स्टेज किन में एब्सेंट है, ए पे जेलीफिश, बी पे हाइड्रा, सी पे ओबिलिया और डी पे फाइसिलिया। क्वेश्चन नंबर 41, आर रिगार्डेड एज सेक्वेंजर इन मैरीन इकोसिस्टम, किन को मैरीन इकोसिस्टम के सेक्वेंजर बोलते हैं, ए पे लैम्ब्री, बी पे हैगफिशेस, सी पे स्कॉलिडॉन और डी पे प्रिस्टिस। ए पे लैम्ब्रीज,
बी पे हैगफिश, सी पे स्कॉलिडॉन और डी पे प्रिस्टिस। क्वेश्चन नंबर 42, मैट्रिडियम इज आ ए पे स्टारफिश, बी पे टर्बुलेरियन, सी पे सी एनीमोन और डी पे स्पॉन्ज। मैट्रिडियम इज आ, क्या ये स्टारफिश है, या बी पे टर्बुलेरियन है, सी पे सी एनीमोन है, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन डी स्पॉन्ज जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, वॉल्फियन डक्ट इज आल्सो नोन एज, वॉल्फियन डक्ट इज आल्सो नोन एज ए पे मीजोनेफ्रिक डक्ट, बी पे इजैक्यूलेटरी डक्ट, सी पे सबलिंगुअल डक्ट या डी पे सिस्टिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, सबलिंगुअल डक्ट या सिस्टिक डक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइन इन, फीटस का जो सेक्स है वो कितने वीक्स में डिटरमाइन होता है, ए पे फिफ्थ वीक में, बी पे सिक्स वीक, सी पे एट वीक या डी पे 12 वीक। जी इनके आंसर देखते हैं, मजे के क्वेश्चन है ये। जो मेड्यूसा स्टेज है वो हाइड्रा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में होती है, तो इसका 40 का बी ऑप्शन ठीक है। और कौन से स्क्वेंजर हैं मरीन इकोसिस्टम के, तो वो हैगफिश है, 41 का बी ऑप्शन हैगफिश ठीक है। और 42, मेट्रिडियम इज अ सी एनिमोन, तो इसका सी ऑप्शन यानी सी एनिमोन ठीक है। और 43 का वॉल्फियन डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, ए ऑप्शन ठीक है। और सेक्स ऑफ फीटस कैन बी डिटरमिन इन 12 वीक, तो 12 वीक यानी कि थर्ड मंथ में जो है वो सेक्स जो है उसकी वो डिटरमिन हो जाते हैं, सेक्स फॉर्मेशन हो जाती है फीटस के अंदर। तो यह 12 वीक या थर्ड मंथ जो है वो इसका राइट आंसर है। अगली स्लाइड देखते हैं, रेडी रहें आप। क्वेश्चन नंबर 45, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज मीजो इलियो कोरिलिया कोरिला, मीजो इलियो कोरिला, बी पे एपिथिलियो कोरिया, सी पे हीमोकोरियल और डी पे एंडोथिलियो कोरियल। क्या ये मीजो लियोकोरिला है, या बी पे एपिथीलियो कोरिया है, सी पे हीमोकोरियल है, या फिर डी वाला ऑप्शन एंडोथीलियो कोरियल, ये ठीक है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर ए पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बी पे प्रोटीन सिंथेसिस, सी पे मैक्रोमालिक्यूल ब्रेकडाउन या डी पे फ्लेवर प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है वो क्या करती है, किसकी साइट है, क्या ए पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये ठीक है, या बी पे प्रोटीन सिंथेसिस, सी पे मैक्रोमालिक्यूल ब्रेकडाउन या डी पे फ्लेवो प्रोटीन फास्फोराइलेशन ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट,
which region of chromatin is transcriptionally silent? A pe nucleoid, B pe centromere, C pe euchromatin या D pe heterochromatin? यानी कौन सा रीजन क्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट है? ए ऑप्शन में है न्यूक्लियोइड, बी पे सेंट्रोमियर, सी पे यूक्रोमेटिन और डी पे हेटरोक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 48, साइटोस्केलेटन आर केमिकली, साइटोस्केलेटन केमिकली क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट है या बी पे न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट एंड लिपिड्स, डी सी पे प्रोटीन फिलामेंट या डी पे पेजेस पर मिनट, या इसमें डी पे नन ऑफ दीज, यहां पे आएगा नन ऑफ दीज। ए पे न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट, बी पे न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट एंड लिपिड्स, सी पे प्रोटीन फिलामेंट और डी पे नन ऑफ दीज। ये पेजेस पर मिनट नहीं आएगा, यहां पे नन ऑफ दीज आएगा। आंसर देखते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज हीमोकोरियल, तो ये हीमोकोरियल जो है वो इसकी नेचर है। और 46 पे क्रिस्टीन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ए ऑप्शन ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो क्रिस्टी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। और विच रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हेट्रोक्रोमेटिन आएगा और जो साइलेंट नहीं होता जो एक्टिव है वो यूक्रोमेटिन है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और साइटोस्केलेटन आर केमिकली, तो ये प्रोटीन फिलामेंट है, इसका सी ऑप्शन ठीक है, साइटोस्केलेटन आर केमिकली प्रोटीन फिलामेंट।